नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। मोटी से मोटी तौंद हो या फिर निकले हुए पेट की चर्बी, इसका सेवन सिर्फ एक महीने तक करने से जो परिणाम मिलेगा उसे देख चौंक जाएंगे आप। दोस्तों, आज हम आपको मोटापे व निकले हुए पेट को कम करने के लिए छोटी पीपली के चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे, जो आपको एक महीना करने से ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग मोटापे व निकली हुई तौंद से परेशान हैं। मोटापे के कारण हमारा पेट या यूं कहें कि तौंद बाहर निकल आती है, जिसके कारण हमारे पूरे शरीर की पर्सनैलिटी पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। तौंद या पेट निकलने के कारण हमारा शरीर बेढोल हो जाता है। हम अपने मोटापे व निकले हुए पेट को कम करने के लिए घंटों पसीना बहाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मोटापा व निकले हुए पेट घटाने के लिए खान पान में सुधार जरूरी है। हम अपने खान पान में तली भुनी व अत्यधिक वसा युक्त सामग्री का सेवन न करें। आइए हम आपको निकले हुए पेट व वजन कम करने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं, जिससे आपको बहुत ही अधिक फायदा होगा। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली वस्तुओं से परहेज करें, जैसे शक्कर और चावल व आलू का सेवन कम से कम करें, क्योंकि यह आपकी चर्बी को बढ़ाते हैं। अपने खान पान में मोटे अनाजों का, जैसे ज्वार बाजरा तथा चना व मटर आदि को शामिल करें। सुविधानुसार पत्ता गोभी का जूस जरूर पिएं, क्योंकि इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है। इसके प्रयोग से मोटापा कम होने के साथ साथ पेट निकलने की समस्या से भी हमें निजात मिलती है। आयुर्वेद में निकले हुए पेट व मोटापे को कम करने के लिए कई तरीके बताए गए हैं, तो आइए दोस्तों जानते हैं मोटापे को कम करने के तरीके। छोटी पीपल को लेकर उसको खूब महीन सा पीस लें और फिर उसे कपड़े से छान लें। 2 चम्मच चून को रोजाना सुबह, दोपहर व शाम को छाछ के साथ सेवन करें। 1 महीने में आप देखेंगे कि आपकी निकली हुई तौंद या मोटापा चमत्कारी तरीके से कम हो जाएगा। आंवले व हल्दी को बराबर मात्रा में पीसकर इसका चूर्ण बना लें और 2 चम्मच चून के साथ सुबह व शाम सेवन करें। इसके प्रयोग से मोटापा और निकली हुई तौंद कम हो जाएगी। 1 चम्मच पुदीने के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम लेने से निकला हुआ पेट खत्म हो जाता है और हमें मोटापे से राहत मिलती है। भोजन में टमाटर और प्याज का सलाद, काली मिर्च और नमक डालकर जरूर खाएं। इससे शरीर को विटामिन सी, विटामिन ए और आयरन के साथ साथ लाइकोपिन मिलता है। इसकी वजह से वजन व मोटापा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों, आप भी इन उपायों का प्रयोग करके अपने मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।